आगरा में पीएम मोदी की रैली आज, गरीबी न दिखे इसलिए पर्दे से ढंकी गई झोपड़ियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा में होंगे। यह पहला मौका है जब योगी और मोदी आगरा में एक साथ आ रहे हैं। इसके लिए तैयारी भी खास है। शहर में न गरीबी नजर आएगी और न ही गंदगी। ऐसा नहीं है कि गरीबी कहीं चली गई, लेकिन गरीबों की झोपड़ियों को छिपा दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री की नज़र उन पर न पड़े। इसी तरह गंदगी को छिपाया गया। कोठी मीना बाजार मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के मद्देनजर प्रशासन ने मंगलवार को कोठी मीना बाजार के आसपास अस्थायी रूप से झोपड़ियां डालकर रहे गरीबों को उजाड़ दिया। पुलिस, प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, कोठी मीना बाजार के आसपास के गरीब लोगों से यह भी कहा गया है कि वे या तो रैली में जाएं या फिर झोपड़ियों के अंदर के रहें। कोठी मीना बाजार मैदान में रावत पेट्रोल पंप की ओर, डाइट परिसर की ओर और नगर निगम के हॉस्पिटल गरीब खाने की ओर बड़ी संख्या में बेघर बेसहारा लोग झोपड़ियां डालकर अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोठी मीना बाजार मैदान में निवास करने बन जा रहे समाज के तंबू डेरे तो वहां सभा की तैयारियों के साथ ही हटा दिए गए थे। मंगलवार को चले संयुक्त अभियान में आसपास की झोपड़ियों को भी ध्वस्त कर दिया। इस कार्यवाही के पीड़ितों के कहना है कि प्रशासन ने उन्हें समय तक नहीं दिया। यदि पहले बता दिया होता तो वे स्वयं अपना सामान हटा लेते। वहीं मैदान से दूर की कुछ झोपड़ियों को पर्दे से ढंक दिया गया है। उन्हें पीएम के वापस जाने तक बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। झोपड़ियों के बाहर पर्दे लगा दिए हैं। उनके आगे पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह गंदगी को छिपाया गया। गंदी दीवारों पर पेंट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर के नगर निगम ने दिन रात एक कर दिए हैं। सभा स्थल कोठी मीना बाजार मैदान से लेकर प्रधानमंत्री के रूट और शहर के अन्य हिस्सों में विशेष सफाई चला रहा है। मार्ग में जो अतिक्रमण आ रहे हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। नगर निगम की टीम ने मंगलवार को पचकुनिया मार्ग से भी अतिक्रमण हटाए। टाटा गेट से लेकर कोठी मीना बाजार तक मार्ग को चमकाया गया है। इस मार्ग को डलाद मुक्त कर दिया है। सामान्य बीमा निगम भारत की मैदान के पास स्थित कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन को खत्म कर दिया गया है। केदारनगर और शंकरगढ़ की पुलिया के पास के डलाब घर को भी हटा दिया गया है। नगर निगम ने की टीम ने पिछले तीन से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रखा है। प्रधानमंत्री के रूट पर दीवारों पर पेंटिंग कराई गई है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही डिवाइडरों को और बिजली के खम्भों पर पेंट किया गया है।